राजधानी रांची में आयोजित रोजगार मेले में 450 नवनियुक्त सुरक्षा कर्मियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपा। सीआरपीएफ सेंटर में मौजूद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नवनियुक्त कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज से उनकी जवाबदेही न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के प्रति है। और मैं जो यहाँ पर देखा, जितने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया वो बहुत ज़्यादा उत्साहित है और प्रधानमंत्री के वक्तव्य से प्रेरित है और आगे वो अपने देश के लिए जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए पूरी तत्परता के साथ इस सेवा में अपने आप को जोड़ रहे हैं। राज्य के विभिन्न जिलों से नियुक्ति पत्र लेने आए युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। उन्होंने कहा कि नियुक्ति पत्र पाकर गर्व हो रहा है कि उन्हें देश सेवा का मौका मिला है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। रोजगार मेला में नियुक्ति पत्र पाकर मैं बहुत खुश हूँ और नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है देश की सेवा करने में। देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, इससे बड़ा खुशी और क्या चीज का है। इससे पहले ऐसा खुशी महसूस नहीं हुआ था, जो भी हो रहा है वर्चुअल के माध्यम से हो रहा है। 22 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले का पहला चरण शुरू किया था। तब से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 रोजगार मेलों का आयोजन कर करीब 5 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। रांची से सरिता की रिपोर्ट।